भारतीय किसान यूनियन ने आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया। हम आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों को धरने पर बैठे हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि 6 महीनों से कृषि कानूनों को निरस्त करवाने और एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर दिए जा रहे धरने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं किया गया है। आज किसानों ने अपने घरों, वाहनों और ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाकर काला दिवस मनाया। किसान विरोधी सर आज आपने काले झंडे दिखाए हैं और पुतला फूका है, क्या है मामला? मैं बिजनौर से अतुल कुमार, मंडल उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन बिजनौर। ये हमारे दिल्ली में चल रहे काले कानूनों को लेकर आंदोलन 6 माह पूरे हो गया। 6 माह से सरकार किसी किसान कानून बिल को वापस करने के लिए तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं है। आज उसके 6 माह पूरे होने के बाद आज हमने जो काले झंडे दिखाकर और सरकार का पुतला फूंक कर हमने विरोध प्रदर्शन किया और जगह जगह सब जगह जगह गाँव गाँव घूमा और समय हुआ है काफ़ी, कई जगह जो ये प्रदर्शन हुआ। ये जब तक काले कानून वापस नहीं देगी सरकार, जब तक सरकार का विरोध में हम लगे रहेंगे, जब तक ही होगा।